नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं खुश हैं स्वस्थ हैं परिवारजन स्वस्थ हैं अपना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं दोस्तों कल की क्लास कुछ टेक्निकल समस्याओं से आप लोग को बफरिंग हो रही थी उसके चलते हमें वो क्लास 10 15 मिनट जल्दी छोड़नी पड़ी तो जो मैथामेटिकल ऑपरेशन जो हम अर्थमेटिकल रीजनिंग का लास्ट हिस्सा कर रहे थे उसे दोस्तों हम Uh, फिर कभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया था मैं वो सारे के सारे नहीं करवा पाया था उसमें असमर्थ था कल कुछ आप नेटवर्क uh, से जुड़ी टेक्निकल समस्याओं के कारण तो उसे हम फिर कभी सिर्फ मैथामेटिकल ऑपरेशंस के नाम से आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों ठीक है आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है पर फ़िलहाल आज जो हम पढ़ने वाले हैं जैसा कि आप मेरे पीछे और वीडियो के टाइटल में देख पा रहे हैं वैन डायग्राम्स यानी वैन आर आज का नया टॉपिक है राहुल ललिता कैसे हैं सब रा, रा, राम राम बाबू स्वीटी मुस्कान हरीश आकाश तौकीर, राकेश विमला सुदराम राहुल निशा आ, सुनील संग्रम संग्राम विवेक दीप पप्पू प्रकाश जाट गौतम और भी मेरे बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त लाइव हैं दोस्तों एंड तक जुड़े रहना वैन डायग्राम सुनने में आसान लगता है परंतु आप अपने अपने पुराने सालों के इस एन टी पी से या रेलवे के पुराने पेपर्स अगर आपने गौर से देखे हों तो इसके एक या दो क्वेश्चन पक्के हैं और उनमें भी कभी कभी बहुत धोखेबाज टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम बेवफा टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हर तरह के क्वेश्चन पर जाएंगे पर सीधे क्वेश्चनस पर जाने से पहले मेरी ये कोशिश है कि हम वेन डायग्राम के बारे में दोस्तों थोड़ी थियोरेटिकल चीज़ें कर लें फिर एक बात को मेरी ध्यान से सुनना कि हम सीधे प्रश्न पर नहीं आएंगे मतलब हम सीधे प्रश्न पर तो आएंगे, परंतु प्रश्न को लिखने के लिए मैं आपको समय वगैरह नहीं दे पाऊंगा आप प्रश्न को मेरे साथ साथ उत्तर दीजिएगा जहाँ पे आपको लगे यार मेरा आंसर गलत है आप मतलब जहाँ पे आपको लगे आपका आंसर गलत है आप वहाँ पे उस क्वेश्चन को लिखना पर मैं चाहता हूँ आज आज मैं जितने क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वैन डायग्राम के वो सभी कंप्लीट कराऊँ दोस्तों जब आप वैन डायग्राम पढ़ते हो ना तो दो तरह के वैन डायग्राम में इस पूरे टॉपिक को बांटा गया है एक बांटा गया है लॉजिकल वैन डायग्राम लॉजिकल वैन डायग्राम और एक बांटा गया है डेटा डायग्राम एक बाटा गया है किसमें डेटा वेन डायग्राम में दोस्तों डेटा वेन डायग्राम में आपको आंकड़े दिए जाते हैं एक ट्रायंगल एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल बना दिया उसमें कुछ नंबर्स लिख दिए रेक्टेंगल किसी किसी चीज को दिखाता है फॉर एग्जांपल पुलिस मैन को दिखाता है जो आयत है वो शहरी लोगों को दिखाता है जो त्रिभुज है वो किसी और चीज़ को दिखाता है वहाँ बताओ ऐसे कितने पुलिस वाले हैं जो ग्रेजुएट हैं परंतु पोस्ट ग्रेजुएट नहीं इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो इसमें आते हैं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दोस्तों जो है वो है लॉजिकल वैन डाइग्राम यानी तार्किक वैन आरेख अब तार्किक वैन आरेख साउंड करता है लॉजिकल वैन डाइग्राम साउंड करता है लॉजिक यानी तर्क पे जिसको वैन डायग्राम का दोस्तों ए बी सी डी नहीं पता उसको मैं बताऊं वैन डायग्राम में आपके सामने तीन तत्व लिखे होते हैं उन तीन तत्वों का रिलेशन संबंध दर्शाता हुआ वैन डायग्राम कैसा होगा एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूं इस तरह से आपको बोला जाएगा इंसेक्ट मक्खी और कुत्तों का वैन डायग्राम कैसा होना चाहिए पर इस पर आने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा के मुख्य धारा में देखा जाए मेन स्ट्रीम में देखा जाए तो, तो टोटल दस तरह के वैन डायग्राम्स बनते हैं कितनी तरह के वैन डायग्राम्स बनते हैं दस तरह के वैन डायग्राम्स बनते हैं वो दस तरह के वैन डायग्राम्स क्या हैं और मेरे साथ साथ आप उनका एक एक एग्ज़ाम्पल भी दोस्तों देंगे वो दस वैन डायग्राम्स कौन कौन से हैं दोस्तों जो पहला वैन डायग्राम बनता है वो कोई ऐसी तीन चीज़ें हों कोई ऐसी तीन चीज़ें हों जो एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन ना रखती हों जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो वो इस तरह का वैन डायग्राम भाई तीन चीज़ों का ही वैन डायग्राम होता है चार चीज़ों का कभी आया नहीं है दो चीज़ों का वैन डायग्राम पूछा नहीं जाता तीन तत्व रख दिए जाएंगे तीन एलिमेंट्स देंगे उनका वैन डायग्राम जो पहला वैन डायग्राम पॉसिबल वैन डायग्राम है वो ऐसा दिखेगा तीन व्रत वैन डायग्राम में आप जानते हैं व्रत यानी सर्कल्स बनते हैं तीन चीज़ों के अगर बीच में कोई कनेक्शन नहीं हो तो ऐसा एक वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एग्ज़ाम्पल दो तो आप दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं सर आलू गोभी गाजर शेर कुत्ता बिल्ली बहुत सारी चीज़ें जो तीनों जो एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो ब्राउन रेड ब्लू तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है इस तरह का कुछ दोस्तों जो दूसरा वेन डाइग्राम बनता है इन दोनों को थोड़ा सा कनेक्टेड दिखाओ परंतु तीसरा इनसे पूरी तरह अलग बताओ अब दोस्तों एग्जाम में आया हुआ अगर मैं इस वेन डायग्राम का एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, तो एक, एक जो ब, कई बार एग्जाम्स में आया है स्टेट वैकेंसीज में भी आया है स्टेट वैकेंसीज में भी आया है और सेंटर की रेलवे की एसएससी की एग्जामिनेशन में भी आया है क्या एग्जाम्पल लिखा है इस वेन डायग्राम का मैंने पिता चाचा और महिला भाई पिता होते हैं चाचा होते हैं दो अलग चीजें हैं पर कुछ पिता लोग चाचा भी कहलाए जाते हैं मेरे पापा किसी के चाचा हो सकते हैं सारे पिता चाचा नहीं होते सारे चाचा पिता नहीं होते पर ये दोनों होते तो पुरुष की कैटेगरी में है तो महिलाएं इनसे अलग बन जाएंगी यानी दो ऐसे तत्व जो एक दूसरे से आंशिक रूप से पार्शियली कनेक्टेड हो, परंतु तीसरी चीज़ उनसे अलग भिन्न हो तो इस तरह का डायग्राम आपके सामने आएगा दोस्तों तीसरा डायग्राम आपके सामने क्या आ सकता है यहाँ पे ये दोनों आंशिक रूप से कनेक्टेड थे परंतु उनमें से एक दूसरे का पूरा अंश बन जाए और तीसरी चीज़ पूरी तरह से अलग हो जाए तीसरी चीज पूरी तरह से अलग हो जाए यह वेन डायग्राम इस तरह का बनेगा इसका अगर मैं आपसे कहूं कि भाई जरा एग्जाम्पल दो तो अगर पिछले एग्जाम्पल से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल यहां रखूं तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूं दोस्तों पिता पुरुष पिता पुरुष और महिला दोस्तों जितने भी पिता हैं इस प्रकृति में जितने भी पिता हैं इस प्रकृति में वो सारे पिता पुरुषों की कैटेगरी में ही आएंगे कोई भी पिता पुरुषों से बाहर नहीं जा सकता ऑल फादर्स आर मैन मैन फादर्स एंड विमेन महिला अलग चीज़ हो जाएगी वो पुरुषों से अलग है दोस्तों चौथा वेन डायग्राम जो बन सकता है वो अब ये जो अलग था ये धीमे धीमे अंदर आने लगेगा जब वो धीमे धीमे अंदर आने लगेगा तो वो आधा अंदर आएगा इस तरह का वेन डायग्राम दोस्तों एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ अगर एग्जाम्पल दू तो हो सकता है दोस्तों पिता पुरुष और बच्चा ध्यान से सुनना पुरुष से यहां हमारा मतलब है मेन एंड विमेन पुलिंग और स्त्रीलिंग वाला सही बोल रहा हूं कि नहीं अब जितने भी पिता हैं दोस्तों वो आएंगे तो पुरुष वाले सर्कल में जैसे इस क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल में दिखाया था सारे पिता पुरुषों की कैटेगरी में आते हैं अब दोस्तों बच्चा बच्चा पुरुष यानी पुल्लिंग तो होगा आधा बच्चे बाकी बच्चे जो हैं बाकी बच्चे किस में आ जाएंगे लड़कियाँ होंगी महिलाओं में आ जाएंगी दोस्तों जो बच्चे हैं वो पिता नहीं बन सकते बच्चा है वो बच्चा है मतलब वो यंग है वो इज टू यंग टू बी अ फादर वो पिता नहीं बना होगा परंतु वो पुरुषों की कैटेगरी में आता होगा क्लियर है या नहीं फिर दोस्तों एक और डायग्राम बन सकता है कि इसकी जो पंचायती हुई है अंदर मुंह मारने की ये और गहरी हो जाए मतलब ये अंदर वाले सर्कल तक आ जाए ये अंदर वाले सर्कल तक आ जाए तो क्या करेंगे ये इस तरह का डायग्राम एक दूसरी चीज का पूरा हिस्सा है परंतु तीसरी चीज दोनों को आंशिक रूप से दोनों से जुड़ी हुई है दोस्तों इसका अगर मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं तो जरा मुझे बताओ क्या होगा इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल दो दोस्तों तो पिता पुरुष चलो पिता पुरुष तो बहुत कर लिया माँ स्त्री और डॉक्टर विमेन मदर एंड डॉक्टर्स दोस्तों सारे पिता पुरुषों की कैटेगरी में आते हैं उसी तरह सारी माए स्त्रियों की कैटेगरी में आती हैं। दस वेन डायग्राम जो बन सकते हैं ना एक बार उनके उनको बना के दिखा रहा हूं कि देखो ये वेन डायग्राम है क्वेश्चन कैसा आएगा तीन चीजें लिखी होंगी इन दस में से कोई चार ऑप्शन होंगे और आपको बताना है कौन सा आंसर है दस वेन डायग्राम बन सकते हैं दोस्तों एक बार उनको नजर से घूर लोगे ना कोई टेंशन नहीं रहेगी एक आध जगह लॉजिक थोड़ा सा अड़ेगा वहां पर अपन डिस्कस कर लेंगे सही बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आया क्या भाई ये जो सर्कल है दोस्तों ये स्त्रियों का सर्कल है सारी स्त्रियों में से कुछ स्त्री माँ है मतलब माँ सारी स्त्री कहलाएंगी पुरुष तो माए बन नहीं सकती डॉक्टर्स दोस्तों डॉक्टर पुरुष भी होता है डॉक्टर महिला भी होती है माँओ में से भी कुछ डॉक्टर्स हो सकते हैं सारी माए डॉक्टर्स नहीं होती हैं इस तरह का जो ये वाले डॉक्टर दिख रहे हैं दोस्तों ये पुरुषों में आते हैं वो पुरुषों में आते हैं जो ये वाले डॉक्टर्स दिख रहे हैं वो महिला डॉक्टर है परंतु वो मां नहीं लगते हैं समझ में आ रहा है आपको बात ओके छठा वेन डायग्राम दोस्तों कैसा बन सकता है कि ये वाला सर्कल कूद के अंदर आ जाए ये वाला सर्कल कूद के अंदर आ जाए इसके दुनिया भर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेज कुर्सी फर्नीचर और ये मेज कुर्सी फर्नीचर जैसा दोस्तों दो कौड़ी का एग्जाम में पचासो बार आया है मेज कुर्सी पर मेज और कुर्सी दो अलग चीज़ें हैं पर वो दोनों अलग चीज़ें आती तो फर्नीचर की कैटेगरी में हैं चप्पल जूता फुटवेयर्स आम केला फल आलू भिंडी सब्जी दुनिया भर के एग्ज़ाम्पल्स हैं राजस्थान मध्य प्रदेश भारत बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं सही बोल रहा हूं कि नहीं ये तो छह वेन डायग्राम हो गए कितने वेन डायग्राम हो गए छह वेन डायग्राम हो गए इसी पेज पे दोस्तों थोड़ा छोटा करके थोड़ा स्पेस अगर मैं और प्राप्त करने की कोशिश करूं तो सातवां वेन डायग्राम कौन सा बन सकता है ये अभी अंदर आया है अब इन दोनों की अंदर ही अगर कुछ मेल इनमें हो जाए मतलब एक बड़े सर्कल में दोस्तों दो छोटे सर्कल हैं मतलब दो चीजें किसी एक कैटेगरी की हो पर उनका भी कुछ अंश एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों तो क्वेश्चन आया है मां महिला और विधवा दोस्तों जो क्वेश्चंस में लेकर आया हूं वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे एग्जाम्पल देखो मदर विमेन एंड विडो अब विडो विधवा महिलाओं के लिए प्रयुक्त वर्ड है महिलाओं के लिए यूज किया जाता है पुरुष तो विदुर आ, आ, क्या होता है विधवा का विधवा का होता है विडो एंड विडोवर होता है विधवा को क्या बोलते हैं जरा कमेंट करके बताना मैं भूल चुका हूं मां भी महिलाएं होती हैं विधवा भी महिलाएं होती हैं इस महिला वाले सर्कल में विमेन वाले सर्कल में माए भी आ गई और विधवा भी आ गई पर कोई माँ विधवा नहीं होती ये कहना गलत होगा इस तरह माँ और विधवा को नहीं बना सकता कुछ माए विधवा होती हैं और कुछ विधवाएं माँ बन चुकी होती हैं अरे या ना। गुड जो आठवां डायग्राम दोस्तों बन सकता है वो बन सकता है तीनों एक दूसरे के ही अंदर घुस जाएं इस तरह दुनिया भर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं गोल्डन एप्पल एप्पल और फ्रूट्स हाया ना पुरुष पुरुष होमोसेपियंस मैमल्स तो पुरुष होमोसेपियंस मतलब आ, लिविंग बींग्स ह्यूमन बींग्स में आएंगे और ह्यूमन बींग्स जितने भी अपने हैं इंसान हैं वो मैमल्स यानी स्तनधारी स्तनपाई होते हैं मैमल्स होते हैं इन सबके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे जाके आने वाले हैं बिल्कुल घबराने की बात नहीं है फिलहाल आपको ये समझ में आया 2016 के एन के क्वेश्चन भी दोस्तों आपके सामने रखूंगा हम देखेंगे किस किस तरह की चीजें हमारे एग्जाम्स में हमको देखने को मिलती है। क्लियर हैं क्लियर है यहाँ तक सबको आया समझ में दोस्तों नौवे नंबर पे जो डायग्राम बनता है वो बनता है इस तरह का इस तरह का एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं जो आपको बार बार किताबों में देखने को मिलेगा डॉक्टर पुरुष और स्त्री दोस्तों ये सब बना लो उसके बाद आपसे बात करूंगा डॉक्टर पुरुष और स्त्री दोस्तों पुरुष अलग चीज है महिला अलग चीज है पुरुष अलग चीज है महिला अलग चीज है डॉक्टरों में से कुछ पुरुष होते हैं और कुछ महिलाएं होती हैं अब दोस्तों इस एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल के लिए ये जब एग्जाम में पूछा जाएगा मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर ये ऑप्शन होगा पर एक बेटर ऑप्शन है कि अगर ऐसा मिल जाए कि पुरुष अलग है महिला अलग है और डॉक्टर उनके बीच में इस तरह एक कैप्सूल बन जाए क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये पुरुष बोलते हैं और ये महिला बोलते हैं तो ये वाले डॉक्टर कौन है फिर एलियंस हैं क्या वैसे आपको पता हो संविधान ने तीसरे जेंडर को भी रिकॉग्निशन दे दिया है पर मेरे ख्याल में यही डायग्राम बना होता है कभी कभी ये डायग्राम बन जाए तो पहली प्रायोरिटी इसको दीजिएगा अरे क्लियर है और दोस्तों जो दसवां डायग्राम बनता है सबसे कॉमन डायग्राम पूरे वेन डायग्राम टॉपिक का वो इस तरह का है जब तीनों चीजें एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी कनेक्टेड हो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं लेखक पेंटर शिक्षक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दोस्तों अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर और बैंक कर्मचारी बैंकर डॉक्टर इंजीनियर और बैंकर बी ए एन के ई आर बैंकर बैंक कर्मचारी शॉर्ट में लिखा है बैंकर और एक एग्जाम्पल दे रहा हूं लेखक शिक्षक और गायक मुझे बताओ इसका डायग्राम और इसका डायग्राम सेम बनेगा या अलग बनेगा इस पॉइंट को समझना दोस्तों दोस्तों कुछ होती हैं बड़ी सीरियस चीजें कुछ होती हैं बड़ी सीरियस चीजें जो डॉक्टर है वो इंजीनियर नहीं होगा और जो इंजीनियर है वो बैंक कर्मचारी नहीं होगा जो बैंक कर्मचारी है वो डॉक्टर नहीं होगा ये बड़े सीरियस किस्म के काम है अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं परंतु लेखक या गायक होना मेरा शौक हो सकता है मेरा हुनर हो सकता है मैं लेखक गायक दोनों हो सकता हूँ मैं सिर्फ लेखक हो सकता हूँ मैं सिर्फ गायक हो सकता हूं हो सकता है मैं दोनों ही ना हूं पर इन दोनों शौक को पूरा करने के साथ साथ आई कैन बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर और अ टीचर या और कुछ काम भी मैं कर सकता हूं सीरियस कामों का डायग्राम दोस्तों इस तरह बनना चाहिए कि ये तीनों अलग हैं इनको कोई कॉमन नहीं कर सकता परंतु लेखक शिक्षक गायक का डायग्राम दोस्तों ये दस नंबर बनेगा आदमी के शौक हैं चाहे तो पूरा करे डॉक्टर भी किताब लिख सकता है मतलब लेखक हो सकता है डॉक्टर भी डॉक्टर भी गायक हो सकता है इंजीनियर भी गायक हो सकता है टीचर भी गायक हो सकता है तो ये आदमी के शौक हैं तो शौक कुछ लोग फरमाते हैं और कुछ लोग नहीं फरमाते हैं इस तरह का डायग्राम होगा अरे हाँ या ना अब मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा दोस्तों पर ये दस तरह के वेन डायग्राम्स बनते हैं समझ में आया मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लो तो भला हो जाए तुम्हारा ये दस डायग्राम बनते हैं और इन दस के दस डायग्राम्स के दोस्तों जो मैं करवा रहा हूँ उनके अलावा दो दो एग्ज़ाम्पल लिखोगे ये अभी कसम खाओ भारत माता की दो दो एग्ज़ाम्पल्स इन दस के दस के मन से सोच के मन से सोच के इन दस वेन डायग्राम्स का दो दो एग्ज़ाम्पल जो क्लास में होंगे उसके अलावा क्लास के बाद लिखोगे या आपने कसम खाई अब कसम झूठी तो खाई नहीं होगी अरे हा या ना तो दोस्तों शुरू करते हैं पर्दा उठाते हैं और आज की फिल्म यानी फिल्म वो जो हमें सफल बना दे प्रश्नों की श्रृंखला चालू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देंगे एक बार जोर से बोल दो दोस्तों भारत माता की जय आप सबको फिर से वेरी गुड आफ्टरनून एंड तक जुड़े रहना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सुनने में आसान लगता है पर एग्ज़ाम में दो नंबर पक्के समझो इसलिए लगातार जुड़े रहना कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो लेट जुड़ा उसे गुड आफ्टरनून नमस्कार राम राम राधे राधे जय हिंद जय जै भारत आदाब और अब पलक नहीं झपकनी चाहिए आपकी और आपको आंसर देना है दोस्तों ये इसकी झलक दिखाई थी मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है कीट यानी कीड़े यानी इंसेक्ट्स मक्खियां यानी फ्लाइज और कुत्ता यानी डॉग्स का वेन डायग्राम कैसा होगा महेंद्र क्या कह रहा है चेतन साजिद राजू पप्पू समझ में आया है सबको सर 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 बोल रहा है कौन बोल रहा है सर 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 अरे सर 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 नहीं सनन 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 होता है सनन 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 हवा चलती है ना हाँ वेरी नाइस सबने भारत माता की जय बोल दिया है सबने भारत माता की जय बोल दिया है तो भारत माता का जयकारा दोस्तों पाकिस्तान के लाहौर की बिल्डिंगों को हिला देगा उस तरह से हमने बोला है अब आंसर चाहिए अरे इंसेक्ट्स फ्लाइज एंड डॉग्स दोस्तों मक्खी इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है बायोलॉजिकली जो मक्खी होती है जो मक्खी होती है ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आएगी पक्षियों की कैटेगरी में आएगी नहीं ना इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती है परंतु कुत्ता कुत्ता होता है कुत्ता कुत्ता होता है कुत्ता अलग होता है तो यह डायग्राम बनेगा एक के अंदर एक और एक अलग साइज डज नॉट मैटर आपने सुना होगा मेरे भाइयों के साइज का कोई लोड नहीं है मतलब छोटे बड़े का लोड नहीं है तो बड़ा सर्कल छोटा ज्यादा बना दिया सर ये इतना छोटा बनेगा क्या तो छोटे बड़े का लोड नहीं लेना है साइज डज नॉट मैटर साइज की कोई औकात नहीं है आपको लोड नहीं लेना है कि सर छोटा क्यों बनाया थोड़ा इसको बड़ा बनाना चाहिए था अरे अलग है ना कुत्ता अलग बनना चाहिए अलग बनाया है मक्खी इंसेक्ट्स में है इस तरह से रख दिया सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मेरे कुछ दोस्त हंस रहे हैं फालतू बात तो करो मत भाई है ना तुम जो सोच रहे हो मैंने उस संदर्भ में साइज डज नॉट मैटर नहीं बोला था ये समझ आया सबको आगे बढ़ जाऊं फटाफट आगे बढ़ जाऊं ना रुकना नहीं है ना आगे बढ़ो भाई दी गई चार आरेखों में से देखो ये सब लिखा तो होगा पर जैसे ही वेन डायग्राम के क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में वेन डायग्राम नजर आए सीधे वो चीजें ढूंढो कौन सी हैं मैंने बोला वो तीन चीजें हैं स्पैरो मतलब गुरैया गुरैया मतलब अपनी लोकल चिड़िया जो अपने घरों के आसपास दिखती है वो बर्ड्स यानी पक्षी माइस यानी चुह्या चुह्या बताओ भाई सारे सारे बताओ काशी वाले बाबा की जय हो कौन है काशी वाले बाबा बताओ काशी वाले अच्छा काशी वाले बाबा बाबा भोलेनाथ जय हो जन्नत जय हो जल्दी से बताओ प्रियंका चौधरी आपका क्वेश्चन मैंने लिख लिया है समय मिलने पर डिस्कस करूंगा आज ठीक है हाँ जी अच्छा आप सुनो इस देखो बर्ड्स बहुत सारी होती है हमिंग बर्ड वुड पैकर वगैरह वगैरह उन बर्ड्स में से एक कैटेगरी में आती है हमारी गुरैया स्पैरो लिटिल स्पैरो और चुईया फिर से थोड़ी अलग बन गई सेम डायग्राम जो फर्स्ट वाले का बना था यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर सबका आंसर करेक्ट है ठीक है सूरज मेघवाल कोशिश करूंगा समझ में आ गया मेरे भाई सबको आगे बढ़ें क्या आगे बढ़ें क्या क्वेश्चन देखो ज़रा सिंगर्स बॉयज़ एंड डांसर्स सिंगर्स बॉयज़ एंड डांसर्स क्या होना चाहिए बताओ तो फटाफट हाँ भैया सुनो सिंगर्स का मतलब गायक का मतलब गाने वाले लोग गाते लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं दोस्तों एक बात बताओ पहले मैं लड़के और सिंगर्स की बात कर रहा हूँ सिंगर्स की बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना सारे लड़के गायक होते हैं या सारे गायक लड़के होते हैं सर दोनों ही सारे नहीं होते लड़कों में से कुछ लड़के गायक होते हैं ये बॉयज हो गए ये बॉयज हो गए और ये गायक हो गए दोस्तों डांसर्स मुझे एक बात बताओ मैं डांस भी कर सकता हूँ क्या मैं साथ साथ गाना भी कभी कभी गा सकता हूँ क्या एक ही व्यक्ति दोनों काम कर सकता है हाँ सर कर सकता है क्या सारे डांसर गाएंगे सर गारंटी नहीं है पर कुछ डांसर्स गा सकते हैं और कुछ गायक डांस कर सकते हैं अच्छा कुछ लड़के डांस करेंगे कुछ लड़के डांस नहीं करेंगे कुछ लड़के दोनों काम करेंगे लड़कों के अलावा लड़कियां भी दोस्तों गायक हो सकती हैं और दोनों हो सकती हैं इस तरह का डायग्राम बनेगा यानी ऑप्शन नंबर सी ऑलमोस्ट सबका करेक्ट था केसरी लाल सर पीडीएफ अपडेट नहीं हो रही है चार पांच दिन से दोस्त कल तक तो पीडीएफ अपडेट हो चुकी थी कल की क्लास की पीडीएफ अपडेट है मैंने खुद अपने मोबाइल से ऐप में चेक की है है ना हाँ जी हां जी हां जी वेरी नाइस nice. अरे ये बार बार मत बोलो गाना सुनाओ गाना सुनाओ क्लास खत्म होती है तब गाना सुनाते हैं बीच में कभी नहीं सुनाया सुनाऊंगा मैं तो कल सुना देता पर कल क्लास आपको पता है बीच में अटक गई थी आगे बढ़ू भाई कोई बात गहराई से नहीं समझ में आई हो तो बताओ लड़कों में से कुछ लड़के गाएंगे कुछ नहीं गाएंगे डांसर्स में से कुछ डांसर्स लड़के हैं कुछ लड़के डांसर हैं बाकी नहीं है और कुछ लड़के दोनों काम करते हैं कुछ लड़के सिर्फ एक काम करते हैं और कुछ लड़के कुछ नहीं करते सिर्फ पढ़ाई करते हैं ये डायग्राम दोस्तों किसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी का ऑर्नामेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स गोल्ड एंड सिल्वर आभूषण सोना और चांदी दोस्तों वैसे मुझे ऐसा लगता है खैर अभी आप आंसर दें फिर मैं बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है और एग्जाम के हिसाब से क्या करेक्ट मानना है हाँ फटाफट से बताओ सर ये नती की लड़का होगी ना अरे वो ऐसा है भाई कि जब हम बोलते हैं गायक सिंगर सिंगर जब हम बोलते हैं तो सिंगर का मतलब लड़का लड़की दोनों होता है आप ये मत सोचना सर वहां गायक लिखा था वहां गायिका नहीं लिखा था गायक तो लड़के ही होंगे ना नहीं भाई एक्टर का मतलब सुन लो कान खोल के सब लोग एक्टर का मतलब दीपिका पादुकोण इज अ फीमेल ड्रगिस्ट ड्रगिस्ट नहीं एक्टर दीपिका पादुकोण इज अ फीमेल एक्टर समझ रहे हो कि नहीं साइना नेहवाल इज अ फीमेल प्लेयर एक्टर ही कहा जाएगा एक्ट्रेस बाद में बना है आप देखिएगा अवार्ड फंक्शन होते हैं लिखा आता है अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर ब्रैकेट में फीमेल गोस टू फलाना फलाना हीरोइन समझ रहे हो बात को कि नहीं अरे हाँ या ना तो दोस्तों दिशा पाटनी को याद करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ऑर्नामेंट्स गोल्डन सिल्वर मैंने बोला भाई वैसे तो पूरी दुनिया के हिसाब से आभूषणों में कुछ आभूषण सोने के हैं कुछ चांदी के हैं सोना और चांदी दो अलग चीज है आज तक जिस भी एग्जाम में जिस भी किताब में इस क्वेश्चन को देखा गया उसका आंसर यही होता है परफेक्ट आंसर है आपको भी यही आंसर देना है अगर आपके भी मन में, में मेरी तरह एक सवाल उठे कि सर मेरे घर पे चांदी की एक प्लेट भी है अक्सर कई घरों में जो पूजा की थाली होती है ना दिवाली वगैरह पे पूजा के वक्त काम आती है थोड़ा कुमकुम -कुम, चावल पानी वो जो मोल मौली होती है वो रखी होती है सर मेरे घर पे छोटी सी वो चांदी की प्लेट है तो चांदी सर आभूषण के बाहर भी जाएगी मतलब या सोने की भी सर सोने का दांत लगाए सर मेरे तो सोने तो आभूषण से बाहर भी आता है पर आपको उस थॉट को उस विचार को इग्नोर करना है आभूषण और सोना और चांदी का आप खुद ही देखें सोना और चांदी सोचते ही गहने नजर आते हैं तो वो गहनों के लिए यूज आता है आपको ऐसा मानना है बाकी तो उसका कोई पायदान भी बना ले जूते भी पहन सकता है तो वो उसका अपना शौक हो सकता है परंतु सोना चांदी किस में आते हैं आभूषण में आते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरे हाया ना वेरी नाइस nice. दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो शेर लोमड़ी मांसाहारी अच्छा एक और एग्जाम्पल साथ लिख रहा हूं एक और एग्जाम्पल साथ, साथ लिख रहा हूं पक्षी चमगादड़ पक्षी चमगादड़ बिल्ली बर्ड्स बैट कैट एक तो ये और एक लिख रहा हूं फिश ल फिश वेल और क्रोकोडाइल यानी मछली वेल और क्या क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ दोस्तों पहले इसकी बात करते हैं ना कार्निवोरस मांसाहारी मतलब जैसे गाय शाकाहारी है हाँ या ना वैसे ही कुत्ता या लोमड़ी भेड़िया ये सब क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं है ना शेर और जैसे मनुष्य है तो मनुष्य ओमनी है वो सब कुछ खा लेता है लायन और फॉक्स दोस्तों ये मांसाहारी होते हैं क्या होते हैं कोई लायन फॉक्स नहीं होता कोई शेर लोमड़ी नहीं होता शेर और लोमड़ी दो अलग चीजें हैं पर दोनों आती तो कार्निवोरस एनिमल्स यानी मांसाहारी जानवरों की श्रेणी में ही आती है तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी था दोस्तों इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा मैं चार ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूँ मैं चार ऑप्शंस आपके सामने लिख रहा हूं, हूं। दोनों के लिए चार ऑप्शंस लिख रहा हूं हाँ दोस्तों इन दोनों के आपको ये आंसर्स देने हैं देखो वैसे टॉपिक रीजनिंग में है पर थोड़ा थोड़ा अपना नॉलेज काम आता है दोस्तों चमगादड़ उड़ती है चमगादड़ के पंख होते हैं उड़ती है पर दोस्तों चमगादड़ स्तनधारी है मैमल है इस चमगादड़ को पक्षी में इंक्लूड नहीं करना है पक्षी अलग है चमकादड़ अलग है बिल्ली अलग है तीनों अलग है मतलब इसका आंसर ये वाला होगा अरे या ना इसका बताओ मुझे इसकी तो आपसे करेक्ट उम्मीद है इसकी करेक्ट उम्मीद करूं या नहीं करूं? ये मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों इसका बताओ फिश वेल एंड क्रोकोडाइल मछली वेल मछली और मगरमच्छ क्या होना चाहिए फटाफट से क्या आंसर दे रहे हैं सब लोग दोनों में बी होगा भाई पहले में तो बी नहीं है पहले में तो ए है दूसरे में क्या होगा बताना है हाँ रचना कुमारी शर्मा भरतपुर से हैं दोनों में ए होगा सर कुछ बोल रहा है दोनों में बी होगा सर हाँ बैट मच बैट बर्ड्स में नहीं आती है करेक्ट है सेकंड वाले का क्या होगा सेकंड वाले का बताओ दोनों के लिए बी होता तो गलत है पहले का तो ए है भाई देखो वैसे ही ये जो वेल है ये सुनने में या बोलने में आता है वेल मछली सुनने में और बोलने में आता है वेल मछली परंतु मछली इज मछली और वेल वेल होती है मतलब अगर मैं बायोलॉजिकली बात करूं तो जो वेल है वो स्तनधारी है वेल मछली स्तनधारी है वो मछली की कैटेगरी में नहीं आती है नाम में भले ही वेल मछली बोलते हो आप परंतु वेल वेल है वेल मछली नहीं है इसका भी डायग्राम दोस्तों कैसा होना चाहिए यही वाला होना चाहिए दोनों में आपका आंसर ए होगा समझ रहे हो बात को के नहीं ये प्लीज इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है कि वेल जो है वो मछली में नहीं आएगी वो मैमल्स में होगी चमगादड़ भी बर्ड्स में नहीं आएगी वो मैमल्स यानी स्तनधारी स्तनपाई होती है अरे क्लियर है सबको यस पहले का और दूसरे का दोनों का भी अरे पहले का ए दूसरे का भी नहीं दोनों का ए बात आई ना सबको शैलेंद्र समझ में आई कि नहीं भाई एक बार लाइक ठोक दो ढाई हजार लोगों ने लाइक किया है जबकि देख पचपन सौ से ज्यादा लोग रहे हैं। एक बार लाइक ठोक दो फटाफट से और आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहा हूं जरा अगले क्वेश्चन पे गौर करें अच्छा प्रश्न है अच्छा प्रश्न बोले तो पचास प्रतिशत लोग को डाउट है पचास परसेंट लोगों को डाउट नहीं है करके दिखाओ दोस्तों 2016 एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था 2016 एनटीपीसी में एक बार एक क्वेश्चन आया था मुझे बड़ा पसंद है वैसे वो क्वेश्चन आप बताइएगा कि वो आपको आता है कि नहीं शक्ति बुद्धि और चिंता शक्ति बोले तो स्ट्रेंथ बुद्धि बोले तो इंटेलिजेंस और चिंता बोले तो एंग्जाइटी या टेंशन इसका भी आंसर देना इसका भी आंसर दो ऑप्शंस इसके यही वाले हैं यही वाले सारे ऑप्शंस हैं ठीक है भाई मैनेजर लेबर और लेबर यूनियन लेबर यूनियन अलग चीज पूरा एक है मैनेजर और वर्कर प्रबंधक मजदूर संगठन और श्रमिक दोस्तों वैसे यूनियन अफसरों का भी हो सकता है क्लर्क्स का भी हो सकता है और एक फॉर एग्जांपल रेलवे की रेलवे के जो वर्कशॉप में लोग लगे होते हैं उनका भी हो सकता है परंतु जब हम लेबर यूनियन या मजदूर संगठन की बात करते हैं तो मजदूर संगठन में लेबर यूनियन में मैनेजर की पोस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है तो मजदूर तो लेबर यूनियन में होगा मजदूर तो लेबर यूनियन में होगा परंतु मैनेजर इनसे अलग होगा मैनेजर इनसे अलग होगा मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई सेकंड का बताओ इसका ये शक्ति बुद्धि और चिंता का बताओ क्या होना चाहिए हां जी हाँ जो मैंने लिखा है दोस्तों इसका आंसर सेकंड होगा किसका आंसर सेकंड होगा इसका आंसर शक्ति अलग चीज है बुद्धि अलग चीज है चिंता अलग चीज है मन में यह आता है कि सर मैं बुद्धिमान हूँ तो ये मेरी एक शक्ति है ना मैंने बोला तुम बुद्धिमान हो ये तुम्हारी आ, ये तुम्हारी पावर तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं है ये तुम्हारा एप्टीट्यूड है क्या है एप्टीट्यूड दोस्तों अगर इस शक्ति की जगह मैं लिख दूँ एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड को हिंदी में योग्यता और करेक्ट कहूं तो अभिक्षमता कहते हैं अगर मैं शक्ति की जगह क्या लिख दूं अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड तो आप कहेंगे सर बुद्धिमान होना इंटेलिजेंस किसी में होना वो उसका एक अभियोग्यता है अभिक्षमता है उसका एप्टीट्यूड है तो बुद्धिमान होना अभिक्षमता में काउंट होता और चिंता अलग बेकार सी चीज आ जाती फ़र्क समझ पा रहे हो दोनों चीज़ों में ऐसी छोटी छोटी बारीकियों के लिए दोस्तों चैप्टर पढ़ना पड़ता है क्योंकि जब एग्जाम में दो नंबर आएंगे भगवान ना करे वो एक हमसे नहीं हुआ तो उसका भुगतान हम अगले ना जाने वापस वो वैकेंसी कब आएगी और वापस हमें मौका कब मिलेगा ये दर्द उससे पूछो जो एक नंबर से कभी रहा हो वो कहेगा यार वो एक नंबर जिस भी चैप्टर का था उसे मैंने लाइटली लिया होगा तो हम किसी चैप्टर को लाइटली नहीं लेना चाहते नहीं तो रीजनिंग का सिलेबस देख के लगता है ये भी आता है ये भी आता है ये तो सब मुझे आता है पर जब रीजनिंग में दोस्तों क्योंकि क्या है रीजनिंग सबको आएगी ना अगर सपोज करो थर्टी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बीस बाईस तो आप क्लास पढ़ क्लास मत देखिए आप कोई किताब मत पढ़िए एग्जाम में जाओगे तीस में से अट्ठारह बीस करेक्ट आओ करके आओगे बाईस करेक्ट करके आओगे पर बचे हुए आठ जिन बारीकियों से गलत करोगे उनकी वजह से जो नेगेटिव मार्किंग होगी उससे बचना है छोटी छोटी चीजें दोस्तों आपके सामने ही देखो अपने दोस्तों के कमेंट किसी का आंसर ये करेक्ट है किसी का आंसर ये करेक्ट है किसी का है, तो एक वो बारीक बारीक पॉइंट ही है शक्ति लिखा है स्ट्रेंथ लिखा है तो तीनों अलग अलग बनेंगे पर अगर शक्ति की जगह अभिक्षमता यानी एप्टीट्यूड लिख दूंगा तो बुद्धिमत बुद्धिमान होना एप्टीट्यूड में आ जाएगा क्लियर है सबको आगे बढ़ो और अब मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास में कम है भाई फटाफट से आंसर दो फटाफट से सब लोग आंसर देंगे क्या होना चाहिए ठीक है गवर्नमेंट सर्वेंट लेक्चरर्स और डॉक्टर्स भाई कैसा बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट लेक्चरर्स लेक्चरर्स प्राइवेट कॉलेज में भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में भी हैं डॉक्टर्स गवर्नमेंट में भी है प्राइवेट में भी है डॉक्टर्स डॉक्टर्स पढ़ाते भी हैं आपने देखा होगा अक्सर आई टी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आ, कोई डॉक्टर होता है जो सब कुछ छोड़ छोड़ा के आई आई टी जेई को पढ़ाने लगा है या डॉक्टर है तो थोड़ छोटा मोटा डिस्पेंसरी जाता है एम है ज़्यादा एमएस वगैरह नहीं किया पर और शाम को आई पीएमटी के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता है अच्छा डॉक्टर होगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा होगा मेडिकल कॉलेज का अपना हॉस्पिटल भी होता है आपको पता हो डेंटल कॉलेज है तो डेंटल कॉलेज में एक डेंटल हॉस्पिटल होता ही होता है सारे डॉक्टर्स वहाँ पर पढ़ाते भी हैं और उस उस डेंटल हॉस्पिटल का या पूरा हॉस्पिटल का डॉक्टर भी होता है वो तो गवर्नमेंट लेक्चरर्स और डॉक्टर्स सारे डॉक्टर्स गवर्नमेंट में नहीं आते कुछ आते हैं सारे लेक्चरर्स गवर्नमेंट में नहीं आते कुछ आते हैं और कुछ डॉक्टर लेक्चरर भी होते हैं और कुछ सरकारी लेक्चरर डॉक्टर भी होते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बात भेजे में अच्छे से जा रही है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है फॉलोइंग चीजें कौन कौन सी हैं बोल रहे हैं ह्यूमन सोसाइटी यूथ क्लब पॉलिटिकल पार्टी और यूथ मानव समाज युवा संघ राजनीतिक दल और युवा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए मुझे बताओ जय भीम दिनेश कुमार जय भीम फटाफट से आंसर दे दो है ना आंसर दोगे जब हम जय भीम बोलते हैं तो फिर से मैं आपको याद दिलाऊं कि मुझे भीमराव साहब अंबेडकर की एक वो बात याद आती है कई जगह मैंने उसे लाइन को पढ़ा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा दहाड़ेगा और पीने का मतलब क्या है कि पी चुका हूं आंसर दूंगा फटाफट आंसर दो भाई मानव समाज युवा संघ राजनीतिक दल और युवा दोस्तों युवा संघ अलग है राजनीतिक दल अलग है युवाओं का संघ अलग होता है राजनीतिक दल अलग होता है कुछ युवा होंगे कुछ युवा हैं जो युवा संघ में है कुछ युवा है जो पॉलिटिकल पार्टी में है और कुछ युवा हैं जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोनों में से किसी भी तरफ उनकी पंचायती नहीं है ऐसा ऑप्शन बोले तो कहाँ है दोस्तों ऐसा ऑप्शन बी हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर अंकित पारिक थैंक यू आंसर साथ साथ दोगे कि नहीं दोगे अरे बताओ आंसर साथ साथ दोगे कि नहीं दोगे समझ में आई बात भाई युवाओं का संघ है युवाओं का संघ है और पॉलिटिकल पार्टी पार्टियां दो अलग चीजें हैं कुछ युवा पॉलिटिकल पार्टी में आते हैं और कुछ युवा युवा संघ में आते हैं इस तरह हो जाएगा ठीक है आगे देखो चिल्ड्रेन सीरियस नोटी दोस्तों नटखट बच्चा गंभीर और बच्चा नटखट बच्चा और गंभीर क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ जब मैं नटखट बोलता हूं तो दोस्त नटखट मैं भी हूं पर मैं बच्चा नहीं हूँ और कुछ बच्चे भी नटखट होते हैं जब मैं सीरियस बोलता हूं तो सीरियस आप भी हो पर आप बच्चे नहीं हो पर आप सीरियस हो और कोई सीरियस बच्चा भी होता है और बच्चे बच्चे होते हैं क्या होना चाहिए जल्दी बताओ क्या होना चाहिए जल्दी बताओ सर मेरा उत्कर्ष ऐप वर्क नहीं कर रहा है या वर्क कर रहा है वर्क नहीं कर रहा है अपडेट कर लिया फिर भी दोस्त अगर कोई टेक्निकल एक्सपेक्ट का शायद दो दिन से प्रॉब्लम चल रहा है आज रात तक सब सॉल्व हो जाएगा ठीक है बच्चे अब सुनो बच्चा है वो सीरियस भी हो सकता है और वो नटखट भी हो सकता है और बच्चों के अलावा भी लोग सीरियस होते हैं और बच्चों के अलावा भी लोग नटखट होते हैं अरे हाँ या ना, गुड तो इस तरह का डायग्राम जो पिछली बार बना था सेम टू सेम बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज हैं दोस्तों अगले 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं तो ही जिंदगी सफल होगी टीचर पेंटर ड्रामेटिस्ट ड्रामेटिस्ट बोले तो नाटककार दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं ड्रामा करता हूं मैं एक्टिंग का शौक रखता हूं कभी कभी ड्रामा एक्ट वगैरह करता हूँ मैं कर सकता हूँ टीचर होते हुए क्या डॉक्टर होते हुए कोई ड्रामा कर सकता है कोई टीचर होते हुए कोई पुलिस मैन होते हुए ड्रामा कर सकता है बोलेंगे सर कर सकता है उसका वो शौक है क्या मैं पेंटिंग का शौक रख सकता हूँ घर पे जाके शाम को कभी कभी पेंटिंग करूँ कुछ सोच के इमेजिन करके बनाऊँ कर सकता हूँ टीचर हो तो भी कर सकता हूँ डॉक्टर हो तो भी कर सकता हूँ इंजीनियर हो तो भी कर सकता हूँ पुलिस वाला हूँ तो भी कर सकता हूँ और टीचर एक बहुत एक चीज़ है भाई टीचर है टीचर में से कुछ पेंटिंग का शौक रखते हैं और देखो ये टीचर हो गया ये पेंटर हो गया कुछ पेंटर टीचर है कुछ टीचर पेंटर है कुछ पेंटर टीचर नहीं और कुछ टीचर पेंटर नहीं है नाटककार नाटककार टीचरों में जाएगा नाटककार पेंटर में जाएगा और नाटककार इन दोनों से अलग भी रहेगा और नाटककार दोनों के साथ भी जाएगा मतलब कुछ टीचर पेंटर और नाटककार दोनों हो सकते हैं अरे या ना और कुछ नाटककार ना टीचर है ना पेंटर है वो सिर्फ नाटककार हैं सीरियसली नाटक करते हैं तो ऐसा डायग्राम बोले तो भाई ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा अरे या ना बोलो वेरी नाइस परफेक्ट आगे बढ़ता हूँ भाई ज्यादा रुकने का टाइम नहीं है बोलो बुरा तो नहीं मानोगे स्क्रीन ले लेना वीडियो तो वैसे भी यूट्यूब पे पर है कभी भी लिख सकते हो जो एग्जाम्पल लगे यार मजेदार था यार ये लिख लेता हूँ कहीं चूक ना हो जाए वो लिख लेना क्लियर है ओके okay, आगे बढ़ते हैं बोले विमेन सिस्टर्स एंड वाइफ महिलाएं बहने और मालकिन आ, मालकिन नहीं वाइफ पत्नी क्या होगा बताओ <laughs> हाँ भाई औरतें बहने और पत्नियां क्या होना चाहिए फटाफट से आंसर दो वेरी नाइस सर हमको एप्लीकेशन में बहुत दिक्कत आ रही है भाई सारी दिक्कतें पूरी हो जाएंगी टेक्निकल टीम ये बच्चों का डाउट जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम ऐप का है उन्हें फोन लगाया जाए तुरंत क्या आंसर आएगा रे बताओ सिस्टर्स एंड वाइफ भाई बहने भी औरतों की कैटेगरी में आती है पत्नी भी औरतों की कैटेगरी में आती है अरे या ना अब दोनों एक दूसरे से अलग हैं पत्नी और बहने अलग हैं या कुछ पत्नियां किसी की बहने हैं दोनों में से क्या करेक्ट करूं पत्नी और बहन दोनों महिलाएं ही होती है पुरुष तो होते नहीं है अरे सही बोल रहा हूं अब आंसर बताना है क्या होगा मैंने बोला बी होगा क्योंकि कुछ पत्नियां किसी की बहने भी तो लग सकती हैं एक एग्जाम्पल मैंने दिया था ना एक एग्जाम्पल मैंने दिया था आदमी पुरुष आदमी पिता पिता और चाचा तो भाई किसी के पिता किसी के चाचा भी होंगे कभी कभी और पर आएंगे आदमी की कैटेगरी में सेम चीज है सेम लॉजिक है हाँ अरहड़ की, हाँ, अरहड, अरहड की दाल होती है और मूंग दाल मूंग दाल इज मूंग दाल है ना आपको बताना है कि इनका डायग्राम कैसा बनेगा मैंने बोला अरहड़ अलग है मूंग दाल अलग है पर दोनों है तो दाल ही पल्सेस ही है पल्सेस ही हैं, दाल ही है अरे या ना दोस्तों अरे बोलो या ना गुड वेरी नाइस अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन क्या है पर्वत जंगली आ, पर्वत जंगल पृथ्वी पर्वत जंगल पृथ्वी माउंटेन्स फॉरेस्ट एंड अर्थ क्या होगा दोस्तों इसका आंसर इसका आंसर क्या होगा तुरंत बताओ बिहार से हूं सर आपका बड़ा फैन एक तो ये जो तुमने नाम लिखा है टेक वाला एजुकेशन अपना रियल नाम लिखो रियल नाम बार बार उच्चारित करने से प्रेम बढ़ता है समझ रहे हो सपोज करो आपका नाम मदन है मैं चार बार मदन बोलूं कितना आपको भी अच्छा लगेगा मुझको भी अच्छा लगेगा है ना गुड हाँ भाई सुनो जंगल पर्वत पृथ्वी जंगल पर्वत और पृथ्वी जंगल अलग चीज होती है पृथ्वी जंगल अलग चीज है पर्वत अलग चीज है पृथ्वी अलग चीज है दोस्तों वैसे मेरे को मेरा मानना ऐसा है कि कुछ पर्वतों में भी तो जंगल होते हैं मैं मेरा मानना बता रहा हूं मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूं जो चीज है वो सत्य बोलता हूं कि मुझे लगता है कि कभी कभी जंगल पर्वतों में भी होते हैं कुछ पर्वत साफ सुथरे हैं लोग रहते होंगे कुछ जंगल पर्वतों में हैं और कुछ जंगल प्लेन लैंड्स पे हैं पर ये है तो पृथ्वी पर पर ना जाने क्यों ये जब भी एग्जाम एस में आया हुआ क्वेश्चन है दो से तीन बार <coughs> उन्होंने ये आंसर करेक्ट माना है पर्वत अलग है जंगल अलग है पर आते किसमें हैं पृथ्वी पर आते हैं दोस्तों आप भी यही टिक करोगे जब भी अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला आप भी यही टिक करोगे चाहो तो साफ साफ शब्दों में लिखना कि ऐसा हो सकता है परंतु परीक्षाओं में इसे सही माना गया है ऐसा लिख लेना अरे या ना है राधा सेवाग राधा सेवाग स्वागत है आपका अरे ठीक है या नहीं भाई मुझको लगता है ये करेक्ट है मुझको पर्सनली लगता है ये करेक्ट है क्योंकि मैंने जंगल देखे हैं इनफैक्ट आप सपोज करें कहीं घूमने जा रहे हैं जैसे लास्ट ईयर मैं उधर मेघालय गया था चेरापूंजी मोहसिन मौ, राम वगैरह तो बड़े घने जंगल आप पहाड़ पे हो साइड में वैलीज हैं और उन जंगलों में हम गए भी हैं कुछ साइन साइट्स देखने के लिए तो पर्वतों में जंगल होता है परंतु ना जाने क्यों एग्जाम में ऐसे ही सही मानना है आपको भी और मुझको भी दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखो नॉर्थ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और न्यूयॉर्क उत्तर अमेरिका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और न्यूयॉर्क दोस्तों उत्तर अमेरिका से यहाँ पे क्या मतलब है अमेरिका देश का उत्तरी भाग नहीं उत्तर अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है ना नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना महाद्वीप है अरे सही बोल रहा हूँ कि नहीं उत्तर अमेरिका वो जो ऊपर है और साउथ अमेरिका जो नीचे है इसमें आपको पता होगा कैनेडा यूएसए वगैरह हैं तो नॉर्थ अमेरिका में यूएसए पूरा नॉर्थ अमेरिका में यूएसए नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और यूएसए में यूएसए का एक शहर न्यूयॉर्क आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सबका आंसर ए है अरे सबका आंसर ए है वेरी नाइस nice. नितेश मोहम्मद समीर शालू अजय और भी मेरे बाकी दोस्त पूजा नेहा सतपाल आज़ाद कुमार वर्मा पूजा नरेंद्र न्... एजुकेशन देोरिया गुरप्रीत सबका आंसर करेक्ट आना चाहिए ठीक है यस yes, चलिए आगे बढ़ता हूं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों सन मून एंड स्टार सन मून एंड स्टार दोस्तों बचपन बचपन की पहली क्लास में एक प्रश्न आपको रटवाया गया होगा कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा कौन सा है विच इज स्मॉलेस्ट स्टार ऑफ द गैलेक्सी सबसे छोटा तारा कौन सा है और तब आंसर दिया गया था कि सबसे छोटा जो स्टार है तारा जो है वो सन है दिखने में भले बड़ा है परंतु वो धरती के बहुत पास है इसलिए वो बड़ा है चांद क्या है साइंटिफिक बात कर रहा हूं फिजिक्स में क्या पढ़ा जो चांद है वो एक उपग्रह है धरती पर एक ही उपग्रह है चांद मतलब धरती का एक ही चांद है कई सारे किसी के दो चांद हैं, किसी के छह चांद हैं, है ना आपने ऐसा पढ़ा होगा परंतु धरती का एक ही चांद है और चांद को साइंटिफिकली उपग्रह यानी सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहा जाता है तो मून अलग हो गया मून अलग हो गया चांद अलग हो गया सन इज स्टार ये सन है और ये स्टार है जीके में पढ़ा होगा इतनी बेसिक जीके के बिना ये चैप्टर फिजूल हो जाएगा कौन सा आंसर करेक्ट करूं प्यारे दोस्तों डी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अरे सबका आंसर डी आएगा कि नहीं सोनू भंकर अरे डंडा पड़ेगा भाई अभी घर पर डंडा आएगा तुम्हारे ठीक है एक पुलिस वाले भाई साहब आएंगे बोलेंगे अक्षय सर ने भेजा है वहां मुर्गा बन के खड़े हो जाना ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं भाई किन चीजों का अध्यापक और मनुष्य ह्यूमन बींग्स टीचर्स एंड ग्रेजुएट दोस्तों तमाम तरह के कांस्टेबल पट राजस्थान की बात करूं तो कांस्टेबल पटवारी अपने एसएससी का सेंटर का रेलवे का और भी बहुत सारे एग्जाम्स का आप 10 साल का पेपर सारे उठा के देख लो आपको बार बार ये प्रश्न मिलेगा या इससे मिलता जुलता प्रश्न मिलेगा ह्यूमन बींग्स टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स और यहाँ एक ही लॉजिक है मेरे भाई के सारे टीचर्स ग्रेजुएट यानि स्नातक होंगे इसकी गारंटी नहीं है आपके गली मोहल्ले में कई सारे लड़का लड़की स्कूल कॉलेज कॉलेज में पढ़ रहे होंगे और छोटे बच्चों को घर पे ट्यूशन देते होंगे वो ग्रेजुएट नहीं है पर वो किसी के टीचर हैं टीचर का मतलब कोच होता है सिखाने वाला होता है डांस सिखा रहा है वो डांस टीचर है हो सकता है वो ग्रेजुएट ना हो हो सकता है स्कूल कॉलेज का टीचर हो तो वो ग्रेजुएट हो परंतु होंगे तो सारे मनुष्य ना आप चूहा बिल्ली से तो नहीं पढ़ रहे कभी जाकर गुड है ना तो टीचर्स भी आएंगे ह्यूमन बींग्स में ग्रेजुएट्स भी आएंगे ह्यूमन बींग में पर ये दोनों अलग रहेंगे या ये दोनों आधे आधे जुड़ेंगे या ये दोनों एक दूसरे के अंदर जाएंगे चुनौती ये है है तो मनुष्य में इसके तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्या? अरे सही बोल रहा हूं कि नहीं अच्छा मैंने यहाँ ए ऑप्शन बना हुआ दिख नहीं रहा होगा आपको ए ऑप्शन बना हुआ दिख नहीं रहा होगा सपोज करो ऑप्शन ये है बताओ क्या करेक्ट है मैंने बोला ये करेक्ट है सारे अगर मैं ये बनाता हूं तो मैं बोल रहा हूं कोई टीचर ग्रेजुएट नहीं है ऐसा तो होता नहीं है अगर मैं ये बना रहा हूं तो बोल रहा हूँ सारे टीचर्स ग्रेजुएट्स हैं तो गलत है मैं तो 2000 दोस्तों 2010 से पढ़ा रहा हूँ ग्रेजुएशन नहीं थी तो भी पढ़ा रहा हूँ तब मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता था दसवीं तक पढ़ाता था फिर कंपटीशन में आया करेक्ट आंसर ये होगा कि कुछ टीचर्स ग्रेजुएट्स हैं परंतु आते सब ह्यूमन बीइंग्स में हैं ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर अरे बोलो या ना वेरी नाइस nice. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है काव एनिमल्स एंड गोट्स काव एनिमल एंड गोट्स क्या आंसर होगा बताओ जल्दी बताओ प्यारे दोस्तों जल्दी बताओ क्या होगा दोस्तों काव अलग है गोट अलग है काव अलग है गाय और बकरी अलग है पर हैं तो दोनों जानवर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों दो क्वेश्चन करा रहा हूं फिर डेटा डायग्राम के क्वेश्चन पर आऊंगा एक बात मुझको बताना मुझको पता नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहा हूं और अच्छे क्वेश्चन है लिखा है मैंने ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम पेरेलोग्राम पेरेलोग्राम और पॉलीगन हिंदी में लिख देता हूं समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज और बहुभुज एक तो इसका डायग्राम बताओ कैसा होगा एक बताओ वर्ग आयत और बहुभुज और बहुभुज का डायग्राम कैसा होगा जिसने बता दिया दोस्तों याद रखना जिस दिन मिलूंगा उस दिन इनाम दूंगा ठीक है वर्ग आयत यानी स्क्वायर प्यारे दोस्तों रेक्टेंगल्स और पॉलीगंस आपको बताना है इनका वेन डायग्राम कैसा होगा कंफ्यूजिंग है कंफ्यूजिंग क्या है ध्यान से सुनना सारे वर्गों को सारे स्क्वेयर्स को रेक्टेंगल्स में काउंट करना है या नहीं करना है रेक्टेंगल की परिभाषा होती है कि जिसके सारे एंगल 90 डिग्री हों जिसके सारे एंगल्स क्या हों 90 डिग्री हों तो दोस्तों स्क्वायर रेक्टेंगल का ही तो एक स्पेशल केस है आपको यहाँ मानना है कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल्स हैं और सारे रेक्टेंगल्स बहुभुज यानी पॉलीगनस हैं पर दोस्तों जब बात इन दोनों की आती है यहाँ पे भी कुछ लोग ये फंडा लगाते हैं कहते हैं सर ट्रेपेजियम का मतलब होता है जिसकी एक पेयर पैरल यानी समांतर हो तो जिसकी दो हो जाए उसमें भी तो एक तो पैरल है ही ना सर भाई ट्रेपेजियम समलम चतुर्भुज पढ़ा होगा मैथ्स में कहते हैं कि अगर एक पेयर भी पैरल है अगर एक पेयर भी पैरल है तो वो ट्रपेजियम कहलाएगा बोले सर तो पैरलोग्राम में तो दोनों पेयर पैरल हो जाएंगी तो एक तो पैरल कहलाएगी तो ये भी ऐसा ही बनेगा क्या सर मैंने बोला नहीं ध्यान से डेफिनेशंस पढ़ना ध्यान से डेफिनेशन पढ़ोगे तो ट्रेपेजियम की समलम चतुर्भुज की डेफिनेशन में लिखा है कि एग्जैक्टली एक पेयर अगर पैरेलल यानी समांतर हो तो ही वो ट्रेपेजियम कहलाएगा अगर दोनों पेयर आमने सामने की पैरेलल हो जाए तो वो पेरलोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज कहलाएगा तो इसका दोस्तों ट्रेपेजियम अलग पेरलोग्राम अलग और क्वाड्रिलेटरल्स या पॉलीगन जो भी लिखा हो वो अलग वो आ, इनके ऊपर समझ रहे हो है तो दोनों बहुभुज या चतुर्भुज भी लिखा होता तो भी चलता परंतु ये दोनों अलग हैं और स्क्वायर रेक्टेंगल में काउंट करना है याद रखिएगा इंडिया के सारे ऑथर्स ये कहेंगे और ये कहेंगे इज दैट क्लियर इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है याद रखना स्पेशल केस है इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों अब थोड़ा अलग क्वेश्चन की अपने जो रस्ते हैं उन्हें थोड़ा दोस्तों अलग ले जाते हैं अलग ले जाते हैं और किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा हूं जरा गौर से देखना ये आपको दिख रहा है है ना एक बार मुझे बताओ अगर बासठ लोग लाइव हैं तो साढ़े चार हजार ही लाइक्स हैं क्या आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा अगर आ रहा है तो लाइक कर देना और साथ साथ इसका आंसर देना बोल रहे हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दी गई आकृति में केवल एक ही आकृति में स्थित है मतलब ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं जैसे ये आठ है दोस्तों तो ये आठ तो सर्कल में भी है रेक्टेंगल में भी है स्क्वायर में भी है तो वो आपसे आठ नहीं मांग रहे आपसे वो बोल रहे हैं वो सारी संख्याएं बताओ जो अगर रेक्टेंगल में आए तो और किसी में ना आए जो सर्कल में आए तो और किसी में ना आए और स्क्वायर में आए तो और किसी में ना आए अब आप जरा नौ पे गौर करो नौ किस में आ रही है सर नौ रेक्टेंगल में आ रही है सर्कल में तो नहीं आ रही सर नहीं उससे बाहर है स्क्वायर में तो नहीं आ रही सर उससे कोसो दूर है तो एक तो नौ होना चाहिए इसमें नौ नहीं है ऑप्शन काट दो इसमें नौ नहीं है ऑप्शन काट दो अब यहाँ आओ अब ऑप्शन पे आ जाओ दोस्तों तीन और सात की बात कर रहा है मैंने कहा तीन की बात अगर करोगे तो तीन तो रेक्टेंगल में भी है और तीन स्क्वायर में भी है तो तीन वाला ऑप्शन गलत है ये काट दो एक ही ऑप्शन बचा चेक कर लो ऑप्शन की तरफ देखने को क्यों बोला मैंने क्योंकि अगर आप ढूंढते तो शायद किसी को तीस सेकंड ज्यादा लग जाते एक ढूंढ ली ना तो बाकी उसके हिसाब से सर्च करने पे लग जाओ भाई वन टू नाइन तो हमने पता कर लिया वन एक ही में आ रहा है क्या वन का है सर ये रहा वन सिर्फ सर्कल में आ रहा है सर रेक्टेंगल से बाहर है स्क्वायर से भी बाहर है मैंने कहा ठीक है टू सर टू भी देखो साइड में है सिर्फ इस बड़े स्क्वायर में आ रहा है ना रेक्टेंगल में आ रहा है ना सर्कल में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर मैंने बोला जहां अच्छा लगे स्क्रीनशॉट लेना लिखने का टाइम दूंगा नहीं क्योंकि दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्स है समझाने में फास्ट नहीं होऊंगा पर आगे बढ़ने में फास्ट होना मेरी और आपकी मजबूरी है क्वेश्चन को ध्यान से देखना किसको क्या बोला गया है क्या नहीं बोला गया है जरा चेक करो हां जी हाँ देखो जरा आपसे कह रहे हैं आरेख में त्रिभुज अध्यापकों को यानी टीचर्स को त्रिभुज अध्यापकों को व्रत छात्रों को व्रत किसको दिखा रहा है छात्रों को और आयत अभिनेता को आयत किसको दोस्तों अभिनेता को दिखाता है लिख लिया अच्छा नंबर्स लिखे हुए दिख रहे हैं जैसा पिछला क्वेश्चन दोस्तों आपने किया कौन किस में आ रहा है वही सोचना होता है पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो ऐसे अध्यापकों को दर्शाती है जो छात्र भी है तथा अभिनेता भी हैं मतलब वो तीनों की कैटेगरी में आने चाहिए दोस्तों तीनों की कैटेगरी में तो केवल पांच आ रहा है रेक्टेंगल में भी आ रहा है ट्रायंगल में भी आ रहा है सर्कल में भी आ रहा है अब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से मेरी बात सुनना और उसको जीवन भर याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं जिस तरह मैंने देखते ही आंसर दे दिया फिफ्टी बच्चे ऐसे ही देखते ही आंसर दे देते हैं पर देखते ही आंसर देने में जरा सा दोस्तों रिस्क है उस रिस्क से बचने के लिए क्या करना है आपको उस रिस्क से बचने के लिए करना है पहले कौन सी कैटेगरी बोली बोला ऐसे अध्यापक अध्यापक मतलब ट्राइंगल ट्राइंगल में क्या क्या है सात पांच है सात जो छात्र भी हैं दोस्तों इनमें से अब वो संख्या हटाओ जो छात्र नहीं है छात्र मतलब सर्कल में सात सर्कल में आता है सर सात सर्कल में नहीं आता कांटो छ में आता है सर छह सर्कल में नहीं आता काटो पांच ही बचा बोले अभिनेता भी है अभिनेता मतलब रेक्टेंगल क्या ये पांच रेक्टेंगल में आता है तो ये इकलौता ही जीवित रहा पांच आपका करेक्ट आंसर है मैंने तो देखते ही बता दिया परंतु इस तरह आप करेंगे ठीक है अरे बात समझ में आई सबको के नहीं बोलो हाँ या ना ठीक है वेरी नाइस आगे देखो ये ट्रायंगल आपको एजुकेटेड लोग दिखा रहा है सर्कल आपको एम्प्लॉयड लोग दिखा रहा है और ये वाला सर्कल आपको रूरल यानी ग्रामीण लोग दिखा रहा है ऐसे कितने शिक्षित व्यक्ति हैं जो कार्यरत हैं कार्यरत मतलब वर्किंग है एम्प्लॉयड हैं ये एम्प्लॉयड तो है कार्यरत ये एजुकेटेड मतलब शिक्षित ये रूरल मतलब ग्रामीण दोस्तों आप ध्यान से सुनना ऐसे शिक्षित व्यक्ति जो कार्यरत हैं मुझे बताओ वो ग्रामीण है बोला है वो ग्रामीण नहीं है बोला है नहीं बोला मतलब वो ग्रामीण होगा तो भी चलेगा और नहीं होगा तो भी चलेगा बात आई समझ में अच्छा शिक्षित व्यक्ति मतलब ट्रायंगल में आना चाहिए कार्यरत है मतलब इस वाले सर्कल में आना चाहिए दोस्तों छः और बारह दोनों बज गए अरे छः और बारह दोनों बज गए ग्रामीण है या नहीं है अगर ग्रामीण है बोलता तो छः लेता बारह नहीं लेता और कार्य ग्रामीण नहीं है बोलता तो बारह लेता छः नहीं लेता यहाँ है और नहीं है दोनों चलेगा तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों अट्ठारह होगा यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके दो मिनट और चाहूंगा मुझे पता है समय से आगे बढ़ चुका हूं पर जो आज लक्ष्य लेकर आया हूं अगर वो ऑलमोस्ट पूरा कर लूं तो दोस्तों सुख की नींद रात को सो पाऊंगा और कल आपसे दोबारा आंखें मिला पाऊंगा ठीक है हाँ रुक जाओ रे ये बाय नाइस डे वाला कौन है डंडा आ रहा है घर पर ठीक है हाँ हाँ डंडा आ रहा है गाना कल सुनाऊंगा यार आज नहीं ठीक है गाना कल सुनाऊंगा आज समय से आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों कितने खिलाड़ी हैं खिलाड़ी मतलब ये सर्कल सर्कल खिलाड़ी है ये ट्राइंगल टीचर्स हैं और ये रेक्टेंगल सिंगर्स हैं। ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो अध्यापक हैं और ना ही गायक दोस्तों अगर आपको दिखते ही पता चल जाए ऐसे कितने खिलाड़ी खिलाड़ी मतलब सर्कल जो ना ट्राइंगल में आते हो ना स्क्वायर में आते हो तो बारह आपका आंसर है दिख जाएगा और आंसर दे दोगे जिन्हें मेरे दोस्तों को नहीं दिख रहा उनके लिए टिप दे रहा हूं ऐसे कितने खिलाड़ी खिलाड़ी मतलब सर्कल बारह पांच सत्रह चार बारह पांच सत्रह चार ना तो अध्यापक हैं ना तो, ना तो अध्यापक मतलब अध्यापक वाले ट्रायंगल में नहीं आने चाहिए दोस्तों पांच ट्रायंगल में आ रहे हैं हाँ सर तो नहीं आने चाहिए सत्रह ट्रायंगल में आ रहे हैं नहीं आ रहे सर चार ट्रायंगल में आ रहे हैं हाँ सर आ रहे हैं तो नहीं आने चाहिए और गायक भी नहीं होने चाहिए मतलब वो रेक्टेंगल में भी नहीं आने चाहिए बारह रेक्टेंगल में आ रहा है सर नहीं आ रहा सत्रह रेक्टेंगल में आ रहा है सर सत्रह रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है तो सत्रह रेक्टेंगल में आ रहा है तो गलत केवल 12 आपका जीवित रहा ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर अरे हाँ या ना अरे हाँ या ना अरे देखो छोटी छोटी चीजों के लिए जिद मत करो लास्ट दो क्वेश्चन करा रहा हूँ और क्लास खत्म कर रहा हूँ दोस्तों लास्ट दो क्वेश्चन ठीक है लास्ट ये नहीं अच्छा कुछ लेकर आया हूँ देखो दोस्तों इसका आंसर बताओ मैं जितनी भी आज तक क्लासे ली है ना दोस्तों मैंने सब में ये क्वेश्चन कराया है और हर बार मतलब हर तीन में से एक एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड हमारे जनवरी में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया था है ना राजस्थान में जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चर स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ था आपसे बोल रहे हैं एक भोजन पार्टी हुई उसमें मछली भी है मांस भी है कुछ लोग केवल मछली खाते हैं और कुछ लोग केवल मांस खाते हैं दोस्तों मांस से मतलब मीट है मीट बोले तो शायद मटन की बात कर रहे हैं ठीक है थीके? कुछ लोग मछली खाते हैं कुछ लोग मीट खाते हैं आगंतुकों में से कुछ लोग शाकाहारी हैं, जो ना तो मछली खाएंगे और ना मांस खाएंगे कुछ लोग दोनों खाते हैं बाकी सब लोग दोनों खाते हैं दिए गए विकल्प में से सही कौन सा डायग्राम होगा पार्टी में लोग हैं दोस्तों सिर्फ मछली खाने वाले सिर्फ मीट खाने वाले दोनों खाने वाले और कुछ नहीं खाने वाले उनका करेक्ट डायग्राम क्या होगा बता दो फिर क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करता हूँ क्लास को इसी क्वेश्चन के साथ में समाप्त करूँगा एक बार फटाफट से बताओ कुछ लोग शाकाहारी हैं कुछ केवल मछली कुछ केवल मांस और कुछ दोनों क्या होगा दोस्तों ज़रा गौर से सुनना आपको दिख रहा होगा कौन सा डायग्राम करेक्ट होना चाहिए देखो जरा ध्यान से ये अपनी पूरी पार्टी के लोग कुछ देखो ये मछली खाता खाने वाला ये मटन खाने वाला ये मछली ये मटन ये दोनों और वेजिटेरियन मुँह धो रहा है वेजिटेरियन मुँह धो रहा है ये डायग्राम ऑप्शन नंबर ए से मिलता जुलता है ऑप्शन नंबर ए से मिलता जुलता है जिनको सी करेक्ट लग रहा है दोस्तों आपने पार्टी से भी बाहर कर दिया शाकाहारी को वो पार्टी में है और उसमें से कुछ लोग कहेंगे भाई झोल झोल दे दे तरी तरी दे दे रोटी खा लूंगा आजकल ऐसा भी तो हो गया ना भाई कि वेजिटेरियन है थोड़ा सा तू ग्रेवी ग्रेवी दे दे मजा आ जाएगा मैं बाकी मैं वेजिटेरियन हूँ तो दोस्तों ये गलत है करेक्ट आंसर ये है पार्टी में ही वेजिटेरियन आदमी है पार्टी में ही वेजिटेरियन वेजिटेरियन आदमी पार्टी में है और वो मांस खाने वालों से अलग बैठा है और पार्टी में है तो दोस्तों आई होप आई होप यहाँ तक मैं आपको सब कुछ समझा पाने में जितना मुझको पॉसिबल था इस गिने चुने समय में समझा पाने में सक्षम रहा हूँगा दोस्तों अगला टॉपिक तर्क है आर्ग्यूमेंट्स है ज़रूर उसमें जुड़ना बहुत काम की चीज़ें सिखाने वाला हूँ आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली अपने और जो बाकी आपकी उम्र के आपके कॉम्पिटिशन सेगमेंट में तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन तक हमारा ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ अपना ध्यान रखिए दोबारा नए टॉपिक के साथ कल मिलता हूँ स्वस्थ रहें मस्त रहें और सदैव खुश रहें बाय हैव अ नाइस डे